हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में, रेलवे रिजल्ट की गारंटी हम लेते हैं। मैं आपके रेलवे रिजल्ट की गारंटी ले सकता हूं, बशर्ते कि आपको दो चीज़ें यूज करनी पड़ेगी। आपको हमारे 3 महीने के कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं, और आपको हमारा मास्टर नोट्स मंगवाना पड़ेगा। हम खुद आएंगे आपके घर पे इस मास्टर नोट्स को देने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको सब कुछ समझाने के लिए, आपके मोबाइल में ये मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है रेलवे एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के, तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि कैसे आप हमसे मिल सकते हैं, कैसे हम आपके घर पे आएंगे आपसे मिलने के लिए। आपके मन में कोई भी तरह किसी भी तरह कुछ भी डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या फिर आप अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करके हम आपके घर पे आएंगे। आपके इधर जब भी हम आएंगे तो हम आपके घर पे आएंगे बिल्कुल, और वो भी 2-4 दिनों के अंदर में। तो आप लोग अपना एड्रेस भेजिए। फिलहाल में हम ये पूरा बिहार में हम घूमने वाले हैं, सभी तरह के स्टूडेंट से मिलने वाले हैं। तो आप लोग अपना एड्रेस जल्दी जल्दी मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि स्मार्ट वीडियो कोचिंग का मोबाइल ऐप मैंने बनाया, स्मार्ट वीडियो कोचिंग का मोबाइल ऐप, बस ये मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में आएगी। देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा मोबाइल है, देखिए ये है स्मार्ट वीडियो कोचिंग का मोबाइल ऐप, देखा क्या। चलिए अब इस एप्लीकेशन को हम क्लिक करते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या होती है। अब देखें यहाँ पे ये सारी वीडियो जो मैंने इसको पढ़ाया है, मैंने इसमें पढ़ाया, ये सब यहाँ पे वीडियो है। देखिए ये सब मैंने वीडियो बनाया और वहाँ पे उस एप्लीकेशन में डाला, वही एप्लीकेशन बस आप खोल करके जब चाहे तब आप देख करके कोई भी चैप्टर को बस आप 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके घर पे हम यहाँ से लेकर आएंगे आपके लिए मास्टर नोट्स, और देखिए वो मास्टर नोट्स किस तरह का होता है। ये मास्टर नोट्स कुछ इस तरह से, इसी में पूरा नया मास्टर नोट्स पैक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना भी नहीं, बहुत कम चीज़ पढ़ना है। और आइए इसको हम अनबॉक्स करके बताते हैं, इसको पैकेट फाड़ के बताते हैं कि इसमें आपको कितना चीज़ आपको मिलेगी। और ये काफ़ी है किसी भी रेलवे एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से इसको पैक किया था और मुझे अभी फाड़ना पड़ रहा है आपको दिखाने के लिए। और अब तो बिलीव तो आप मुझ पर कर ही सकते हैं कि मैं आपके घर पे आ रहा हूँ इस मास्टर नोट्स को ले करके। बिल्कुल देखिए इसको मैं यहाँ पे फाड़ रहा हूँ, देखिए देखिए इसमें जो आपको मिलेगी ये है आपका करंट अफेयर्स। अब मैं इस करंट अफेयर्स बुक की मैं बात कर लेता हूँ। अब देखिए ये है करंट अफेयर्स। अब इस करंट अफेयर्स में से आपको 90% तक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी में से आएंगे, क्योंकि एक दिन का 10 क्वेश्चन मैंने इसमें कलेक्ट करके यहाँ पे लिखा। जैसे कोई भी पेज यहाँ पे ले लीजिए, जैसे इस तरह का यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग होगी, इसको इसको मैंने इसको टाइप करके लिखा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 15 अप्रैल 2019 का यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन आपको आएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 15 अप्रैल 2019 का, यानी कि एक दिन का 10 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा वो सब मैंने इसमें डाला, और डेट बाय डेज का पिछले 1 साल का। अब आप बोलिए कि आज मैंने अगर इस मास्टर नोट्स को लिया तो अगला करंट अफेयर्स जो 2-3 महीने का जो बच जाएगा एग्जाम होगी तो वो कैसे मिलेगा, वो चीज़ आपके मोबाइल पे मिल जाएगी इसका पीडीएफ अपडेट के द्वारा, या फिर आप बाद में भी नोट्स को मंगवा सकते हैं। वैसे पिछले 1 साल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो यानी इस तरह से आप करंट अफेयर्स ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मैथमेटिक्स के लिए। ये है आपको हमारा मैथमेटिक्स का मास्टर नोट्स। अब देखिए इस मैथमेटिक्स के मास्टर नोट्स में आपको देखिए क्वेश्चन देखिए किस तरह के आपको मिलेंगे, कोई भी चैप्टर हो कोई भी चैप्टर हो। तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक चैप्टर, देखिए जैसे कि ये है
सी आई का चैप्टर, चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट होगी, ये बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगी, बिल्कुल जीरो लेवल से ये स्टार्ट होगी और लास्ट में बिल्कुल हाई लेवल तक जाएगी। और ये सभी क्वेश्चन का आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगी सबका। तो फिर आप बिल्कुल ईजिली, बस आपको इस मास्टर नोट्स को बनाना है, इसके बनाने के बाद आप पूरा मैथमेटिक्स जान जाइएगा और एग्जैक्ट रूप से जो एग्जाम में पूछता है वही सब इसमें डाला हुआ है और इसका मैंने कलेक्शन किया है। अब मैं बता दूं आप लोगों को रीजनिंग का, ये हमारा मास्टर नोट्स का रीजनिंग, इस रीजनिंग भी बिल्कुल कंप्यूटर टाइपिंग होगी, इसको मैंने लिखा। इसमें से अगर आप बना लेते रीजनिंग तो आपको 100% तक आपको एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल इसी तर्ज पे पूछे जाते हैं। और ये सब जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें कलेक्ट किए ये सब के सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा देखिए बायोलॉजी में, देखिए 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में, तो इसमें से आपको बिल्कुल इसी में से आएगा। इस देखिए बिल्कुल पतला सा बायोलॉजी का नोट्स है, इस देखिए मात्र 43 पेज का है, तो इसमें आप आराम से बस सही सिर्फ आपको इतना पढ़ना है। आप दो दिन, आप चाहे तो दो दिन में पूरा इसको पढ़ सकते हैं, इतना बिल्कुल पतला है। और इसमें 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी में से आएंगे। इसके अलावा देखिए ये है आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बिल्कुल पतली सी है, बिल्कुल 33 यानी 33 पेज की है। इसको आप चाहे तो दिन रात एक करके एक दिन में पूरा पढ़ सकते हैं 24 घंटा में। मैं तो बोलूँगा आपको अगर एक सप्ताह बाद एग्जाम है फिर भी आप हमारे मास्टर नोट्स को पढ़ के जाइए, आप एग्जाम निकाल के ही आइएगा। बिल्कुल इसमें एग्जैक्ट रूप से वही चीज़ मैंने इसमें लिखा है जो चीज़ आपके लिए है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और इसमें मैंने वैसे क्वेश्चन को भी डाला है जो कि अब तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह का मास्टर नोट्स बस आप लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, आपको बहुत आसान होगी इसको पढ़ना और फिर आप एग्जाम जाइए एक दे दीजिए। इसके बाद देखिए ये है फिजिक्स का, फिजिक्स में से आपको 13 से लेकर 14 क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में और ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी इसमें। इसमें टोटल आपको 22 चैप्टर है। तो अब मैं कुछ और बात करता हूँ अपने मास्टर नोट्स के बारे में। आप इसका सिलेबस और पैटर्न समझ लीजिए, आज से 4 साल 5 साल पहले या फिर 10 साल पहले के एग्जाम में क्या होती थी, क्वेश्चन ज़्यादातर आती थी जीके पेपर में से, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक जीके, गेम जीके, ये सब चीज में से। लेकिन अभी के एग्जाम में ये सब में से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए मैं आपको उसका नोट्स मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कैसे क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग में से आ रही है और 20 से लेकर 25 तक क्वेश्चन आपका है वो आ रहा है साइंस में से। और इसके अलावा जो बच गया 15 क्वेश्चन, इसमें से आपको लगभग में 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस, मात्र 4 से 5% क्वेश्चन आपको अलग से कहीं से पूछ सकता है। तो जहां तक आपने देखा यहां पे मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स यही सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो यही चारों को बस पढ़ना है और आपका एग्जाम बिल्कुल निकल जाएगा। आपको एग्जाम में निकालने के लिए कम से कम आपको 75% नंबर की जरूरत पड़ेगी, ये सब चीजें हैं। तो बस आपको हमारा स्मार्ट वीडियो कोचिंग मास्टर नोट्स लेना होगा। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो इसके लिए आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी, 3 दिन में आपके घर पे ये नोट्स पहुंचेगी बिल्कुल इसी रूम में पैक करके स्पीड पोस्ट से। और वीडियो कोचिंग का जो मोबाइल ऐप है स्मार्ट वीडियो कोचिंग, ये इसका लिंक हम आपके व्हाट्सएप पे देंगे, फिर आप उसको 2-3 स्टेप को फॉलो करके आप उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो हम आपको इंस्टॉल करवा देंगे। अगर आप बिहार से हैं संयोग बस, हम भी बिहार से हैं, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा बिहार का, तो आप अगर बिहार से हैं, हम पूरे बिहार में आने वाले हैं, मतलब कि 4 दिशा होती है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जैसे कि मैं कल संडे है, मैं पटना और आरा के लिए जा रहा हूँ, पटना से आरा यानी कि हमारे यहाँ से दक्षिण बिहार हम जा रहे हैं। तो दक्षिण बिहार में अगर आप हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर अपना एड्रेस भेज सकते हैं। इसी तरह से हम इसके बाद हम जाने वाले हैं पूर्व बिहार, जो कि बेगूसराय, खगड़िया इस साइड, और इसके बाद हम जाने वाले हैं मोतिहारी साइड में जो कि पश्चिम बिहार है, फिर हम जाएंगे उत्तर बिहार में। तो इस तरह से आप हमसे मिल सकते हैं और हमसे मिलने के बाद आप कुछ टिप्स ले सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम आपको दूर कर देंगे, फिर आपके लिए रिजल्ट लाना बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि इस तरह से बताने वाला शायद कोई नहीं है, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ करके आप लोगों के लिए नोट्स लिखा, वीडियो कोचिंग बनाया, उसके बाद मेरे अपने इस प्रोडक्ट पे काफ़ी भरोसा है कि मैं अब तक हजारों स्टूडेंट को नौकरी दिला चुका हूँ और आपकी बारी है, बस आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए। जैसा कि जितने भी आपने टीचर देखा होगा, क्या आप लोग बताए कि एक फॉर्मूला पे 4 से 5 चैप्टर, एक चैप्टर तो छोड़िए 4 से 5 चैप्टर बताने वाला है कोई, कि एक जीरो लेवल स्टूडेंट को बिल्कुल 15 से 20 दिन के अंदर में पूरा मैथमेटिक्स,
बताने वाला है कोई? बिल्कुल नहीं। आपके लिए वहाँ पे बहुत चीज़ें मुश्किल हो, चाहे आपका कोई भी कोचिंग सेंटर हो या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल हो, ऐसा कोई नहीं बता। मैं ऐसा नहीं बोला कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट पे मेहनत करके उसके उसको सीखने के तरीके को जान करके मैं उसके दिल में इतना ज़्यादा अंदर तक, मैं उसके दिमाग में इतना ज़्यादा अंदर तक घुस पाया हूँ, और मैंने उसको देखा कि इसको बिल्कुल जीरो लेवल से कैसे इसको सिखानी है, वही चीज़ मैं यहाँ पर लाया हूँ। बिल्कुल जीरो लेवल से हम कोई भी टॉपिक को उठाते हैं, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। इसको एक जीरो लेवल स्टूडेंट भी शुरुआत करके सीख सकता है, पूरा 100% कर सकता है, या फिर जिसकी तैयारी पहले से हो चुकी है वो भी इसको कर सकता है। तो इस तरह से हमारा ये दो प्रोडक्ट है, स्मार्ट वीडियो कोचिंग और मास्टर नोट्स, यही दोनों को चीज़ को लेकर के आप 100% एग्जाम को निकाल सकते हैं। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, रेलवे रिजल्ट की गारंटी हम लेते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अब भी कमेंट करके देख सकते हैं कि तू क्या रेल मिनिस्टर है। नहीं, ये रेल मिनिस्टर के भी बस की बात नहीं है कि आपको बिल्कुल पढ़ा करके आपको नौकरी दिला सकता है। बस आपको एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास करने के लिए बहुत सारे ट्रिक भी होते हैं, जैसे कि आपको 60% की तैयारी में 80 नंबर कैसे लाने हैं, बस उसको बस 100 में 100 क्वेश्चन डंग करके मैं कुछ ऐसा आपको बताऊंगा ट्रिक या फिर जादू टाइप की चीज़ें कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अगर आपकी तैयारी 50% भी है तब भी आप 70 से 75 नंबर ला सकते हैं टाइम मैनेजमेंट और 100% एंसरिंग करके। लेकिन ये दो टेक्निक आपको मिलेगी हमारे स्मार्ट वीडियो कोचिंग में। ऐसा नहीं कि मैं इन सब चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें हर एक स्टूडेंट तक पहुँचे, वो भी कम से कम कीमत में, कम से कम कीमत में। तो आप लोग बोले कि आप इसको फ्री भी तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ फ्री की चीज़ों की ज़्यादा, फ्री की चीज़ ज़्यादा दिन टिकते नहीं, आपके लिए उसका वैल्यू भी नहीं। बस हम स्टूडेंट से बस इतना ही पैसा लेते हैं जितना में कि मेरा भी गुजारा हो जाए और एक स्टूडेंट को भी नहीं लगे कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं और उसको भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एक मैं स्टूडेंट की कहानी बताता हूँ। आज से मैं बस 2-3 दिन पहले गया था मुजफ्फरपुर, मैंने देखा वो स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा टेंशन में था और बहुत ज़्यादा उदास था, अपने तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस था, जिस वजह से वो, तो मैंने बोला क्या हुआ भाई, बोला कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं वो एग्जाम की तैयारी कर, मैंने बोला इस तरह से आपका तैयारी तो कभी नहीं हो सकती, ऐसा लग रहा कि 4-5 गर्लफ्रेंड ने एक साथ उसको धोखा दे दिया है। मैं मजाक कर रहा, लेकिन कुछ इस तरह की उसकी शक्ल थी। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस तभी आप में आएगी जब आप सही चीज़ों को पढ़िएगा, जब आपकी गाइडेंस बिल्कुल सही दिशा में होगी और मिस गाइड करने वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, नेगेटिव भावना रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, चाहे दोस्त हो, आस पड़ोस के लोग हो। अगर आपके लाइफ में कुछ भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपके प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। और बस आपको एग्जाम के रिजल्ट के लिए बस आपको मेंटली रूप से तैयार रहना है, फिजिकली रूप से तो तैयार है बिल्कुल है ही, और इसको कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, यही आपको 5-10 नंबर एक्स्ट्रा आपको दिला सकता है एग्जाम में। बस डिसीजन मेकिंग पावर आप में ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो आप डिसीजन लेकर के 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को लगा सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप में टेंशन रहेगी, डिसीजन लेने की पावर नहीं रहेगी, तो आप क्या करिएगा? आप 4 ऑप्शन में से आप 100% जान रहे कि बिल्कुल ऑप्शन ए ही है, लेकिन फिर भी आपके मन में मतलब डाउट रहे, नेगेटिव भावना है, तो आप सोचिए कि अब बी होगा या फिर ए होगा, कहीं गलती हो गया तो मैं 0.3 नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस टेंशन फ्री होकर रहिए, रिजल्ट आए या फिर ना आए, हमको अपना बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। वहाँ पे हमको 80 नंबर चाहिए, वहाँ से रिजल्ट नहीं देना है मत दे, हमको 80 नंबर चाहिए तो चाहिए, बस इतना में रिजल्ट हो ही जाएगी बिल्कुल। तो बस आप हमसे मिलिए जल्दी जल्दी, और सभी लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को इतना बड़ा बनाने के लिए आप सभी का सपोर्ट हमें चाहिए। गलती एक्चुअली मेरी ही रहती है, मैं बिल्कुल लगातार मैं इसमें वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ और पता नहीं क्या। थैंक यू सो मच आपने हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और किसी भी तरह कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और मैं आया हूँ यहाँ पे स्टूडेंट लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए, बिल्कुल चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच आपने हमारे वीडियो को देखा, हम मिलते हैं आपके घर पे। थैंक यू सो मच।